हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विजय और आपके लिए लेकर हाजिर हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर जो कि है उड़ारियां से जुड़ी हुई। वेल, आप सबने देखा कि जो फतेह है और तेजो है दोनों का फेस ऑफ हो चुका है और इस फेस ऑफ के दौरान क्या हुआ है वो तो आपने देखा ही। यहां पर फतेह जो है वो लगातार बहुत परेशान है क्योंकि यहाँ तेजो ने ऐसी बात कह दी कि तेजो ने कह दिया कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की ना। जी हाँ, ये चीज़ बोली है तेजो ने फतेह को। जैसा कि हमने आपको प्रेडिक्शन में पहले ही बताया था कि जो तेजो है उसे गलतफहमी होगी और इसी वजह से आने वाले वक्त में आपको बता दें कि फतेह को भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। बात करें तेजो की तो तेजो के साथ भी ऐसा ही होता है। पता नहीं ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है दोनों के बीच कि दोनों मिलकर भी नहीं मिलते हैं और यही चीज़ें जो है वो फैंस को बहुत परेशान करती हैं। बहुत सारे फैंस हैं जो ये कह रहे हैं कि तेजो जो है वो अभी गलत समझ रही है, उसे ठीक करना चाहिए, मेकर्स को ऐसा चाहिए कि वो इस तरीके की चीज़ें उन्होंने क्यों दिखाई हैं, कि फतेह को वहाँ पर क्यों दिखाया है जबकि सारी गलती जो है वो अंगद की है और यहाँ पर अब फतेह बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करने वाला है क्योंकि खुद तेजो ये जान चुकी है कि उसे ऐसा लगता है कि फतेह ने उसे मारा है क्योंकि लास्ट मोमेंट पर फतेह ने उसे देख लिया था और वहाँ पर फतेह था और वो फतेह बहुत रो रहा था और वहाँ पर जैस्मिन भी थी और तेजो को ऐसा लगता है कि बस फतेह जो है वो जैस्मिन के साथ मिलकर उसका कांड कर दिया, मतलब उसे मार दिया। लेकिन सवाल ये है कि अब एक बार फिर से कितनी बड़ी मुसीबत बढ़ने वाली है फतेह की। वो बहुत कोशिशें कर रहा है, वो लगातार तेजो को पाने की कोशिश कर रहा है और हर बार किस्मत कुछ ऐसा कर दे रही है कि वो तेजो से अलग हो जा रहा है। अब जो मुसीबत ये है कि सब कुछ हो गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा पिट रहा है फतेह, वो देख रही है कि भाई जो तेजो है वो बहुत ज़्यादा रो रही है, अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है कि बोलती है भी उठो फतेह मैं ही तेजो हूँ। जैसे ही वो ये सुनता है कि भाई मैं ही तेजो हूँ, ये तो वो सुनना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो उठता है उसे गले लगाता है अचानक से एक ऐसी चीज़ सामने आती है जिसे सुनकर फतेह एकदम शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो बोलती है कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी ना। जिसके बाद फतेह को समझ नहीं आता कि वो इसका क्या रिएक्शन दे। वो बोलता है कि क्या मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तुम्हें मारने की कोशिश करूंगा जिससे मैं इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो जाहिर तौर पर अब फतेह की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है क्योंकि तेजो की गलतफहमियाँ कुछ इस लेवल पे जा चुकी हैं। आप खुद सोचिए कि जो तेजो सब कुछ सारी चीज़ें बहुत क्लियर करके रखती थी, जो तेजो एक अलग ही रूप में नज़र आती थी, वो तेजो अब तानिया बन चुकी है और वो बिल्कुल किसी को नहीं बताती है कि भाई वो किसी को उसने नहीं बताया कि वो तानिया बन चुकी है। जैस्मिन जब उससे मिलती है तो जब जैस्मिन को वो देखती है तो कहती है कि कौन हूँ मैं, ये सारे लोग पागल हो गए क्या, इंडिया से बाहर आए हुए हैं, जब यहाँ पर आए हुए हैं अंगद, जब ये लंदन पहुँचे हैं तो अचानक से ऐसा क्या हो गया, क्यों मतलब सब लोग उनको तेजो तेजो कर रहे हैं, आखिर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हुई है। अब यहाँ पर जो फतेह है वो बहुत ही ज़्यादा उसके लिए चैलेंजेस बढ़ने वाले हैं जो कि हमेशा से ही होता रहा है। अब बहुत बड़ी चीज़ ये है कि इधर अंगद है, इधर फतेह है। अब अंगद ने भी जो प्लानिंग की हुई है तेजो को मारने की, जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि अब तेजो को कैसे मारने की वो प्लानिंग करने वाला है इसकी भी हम आपको अपडेट ज़रूर देंगे। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। आप देखते रहिए उड़ारियाँ और साथ ही साथ आपको बताइएगा इस वक्त जो लंदन का जो ट्रैक चल रहा है वो आप सबको कैसा लग रहा है।